प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आपका स्वागत है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करेंगे, उसकी स्तुति के भजन गाएंगे। और प्रभु जो महान परमेश्वर है, भजन संहिता 34 में यह लिखा है, भजनकार दाऊद लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भजनकार दाऊद लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। सच में मेरे प्रियो, हमें भी हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, हर एक कामों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, क्योंकि वही है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वही परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम काम कर सकें। वही परमेश्वर है जो सच में कईयों बार हमें जोखिमों से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी बचाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। वह हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए स्वर्ग के वैभव को, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस जगत में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य का शरीर धारण किया। वह हमारे लिए दुख सहा, उसने हमारे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हैं। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया ताकि उसके खून के बहाए जाने से हमको शिफा मिले, हमारे पाप धुल जाए। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब हम इस योग्य नहीं थे, हम पाप में ही थे, तभी उसने हमारे लिए अपना अनुग्रह उंडेल दिया और हमको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। क्योंकि लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं है कि हम खुदा को, उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर कोई उलझन, कोई समस्या, बीमारी नहीं आएगी, या छोटे छोटे मोटे दुख, तकलीफें, समस्याएं तो आती हैं। लेकिन खुदा ये कहता है, धर्मी को यहोवा कभी टलने नहीं देगा, धर्मी को यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वह 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होगा। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है। सच में मेरे प्रियो, यदि कोई खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा सच में हर एक उलझनों से, मुसीबतों से, समस्याओं से अपने लोगों को बचा ही लेता है, क्योंकि वह हमें बचाने के लिए आया। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम एक छोटा सा भजन भी गाएंगे। धर्मी को यहोवा कभी टलने नहीं देता है, धर्मी को यहोवा कभी टलने नहीं देता है, चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। वो चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता है। सच में मेरे प्रियो, धर्मी जन को यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वह 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होगा, क्योंकि उसको उठाने वाला यहोवा परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज सच में प्रभु आपको बहुतायत की आशीष और बरकत देगा।